तो दोस्तों ये रहा हमारे पास ओप्पो रेनो 11 5G मोबाइल। दोस्तों अगर आपके पास भी यही मोबाइल, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा, अपने मोबाइल को यहाँ पे स्विच ऑफ करना चाहते हैं, पावर ऑफ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पासवर्ड मांगता है। और दोस्तों यहाँ पे वो पासवर्ड मांगता है जो आपने स्क्रीन लॉक में रखा है। अगर दोस्तों पासवर्ड पता है तो ही आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर पाओगे, वरना आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये सेटिंग इनेबल करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका मोबाइल कहीं भी खो जाता है तो दोस्तों आपके बिना कोई भी आपके मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपके यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर आपके आप पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर आपके सामने टिक डिसेबल होगी आपके मोबाइल में ये वाली, तो दोस्तों आपको करना है इस टिक को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक डालना है, जो आपका स्क्रीन लॉक है वही आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद सक्सेसफुली आपकी सेटिंग ऑन हो जाएगी। अब जैसे ही पावर बटन यहाँ पे दबाओगे, जैसे ही पावर आप पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। दोस्तों अगर पासवर्ड पता होगा तो स्विच ऑफ कर पाओगे, नहीं तो स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।